मोहतरमा खुशबू शर्मा ने अभी गड़बड़ साहब को छेड़ा, माजिद साहब तो इनके छेड़ने में नहीं आए, लेकिन अब गड़बड़ साहब इनको क्या जवाब देंगे, मैं ये चार मिसरे याद आ रहे हैं कि गधे से कहा मैंने कि मियाँ अच्छे हो, बोला ईंटों से लदा रहता हूँ क्या अच्छा हूँ। एक गधे से कहा मैंने कि मियाँ अच्छे हो, मैंने बोला ईंटों से लदा रहता हूँ क्या अच्छा हूँ। मैंने उससे कहा सूबे का मिनिस्टर बन जा, बोला उससे तो मैं सरकार गधा अच्छा हूँ। जिंदगी की कड़वी सच्चाइयों को तंज व मजाक की चाशनी में डालकर इस अंदाज में पेश करना कि उस पर रोने के बजाय हंसना आ जाए, ये फन है जनाब सिकंदर हयात गड़बड़ का, जिनकी शख्सियत न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी उर्दू दुनिया में लतीफ तंज निगारी और शाइस्ता मिजाह के लिए बेहद मशहूर है। मैं इन अशार के साथ के नवाजिश पर नवाजिश हो रही है, फटे जूतों पे पालिश हो रही है और इलेक्शन का जमाना आ गया है, गधों की रोज मालिश हो रही है, आप हजरात इस्तकबाल करें सिकंदर हयात गड़बड़। अस्सलामु अलैकुम हजरात, रुड़की से मंगवाया गया हूँ आपके दयार में। डॉक्टर माजिद साहब की सदारत में मुशारा चल रहा है, चार मिसरे पेश कर रहा हूँ और सदर साहब के साथ साथ आपकी सबकी नजर करता हूँ, ये मेरे चार मिसरे दुआइयाँ हैं, पेश करता हूँ कि ये दुआ है मेरी हर बशर के लिए, ये दुआ है मेरी हर बशर के लिए, कोई तरसे नहीं हम सफर के लिए, क्या कहना, ये दुआ है मेरी हर बशर के लिए, कोई तरसे नहीं हम सफर के लिए, बीवियां दो जरूरी है गड़बड़ मियां, एक घर के लिए एक सफर के लिए। और हजरात पेश करता हूं मोहतरमा खुशबू, खुशबू बघेर रही थी, चार मिसरे बतौर मशवरा पेश करता हूँ कि किसी का हुस्न आखिर जान का दुश्मन हो भी सकता है, क्या बात, किसी का हुस्न आखिर जान का दुश्मन हो भी सकता है, तुम्हारे जेल जाने का ये कारण हो भी सकता है, क्या बात है, किसी का हुस्न आखिर जान का दुश्मन हो भी सकता है, तुम्हारे जेल जाने का ये कारण हो भी सकता है, मेरे यारो हसीनों से जरा तुम दूर ही रहना, ये अंग्रेजी दवा है, रिएक्शन हो भी सकता है, क्या बात है, वाह वाह। अब पेश करता हूँ कि मैं तो हर रोज पिटूं इश्क में मजनू की तरह, हेलो, मैं तो हर रोज पिटूं, मैं तो हर रोज पिटूं इश्क में मजनू की तरह, और तड़पती है मेरे प्यार में लैला मेरी, मैं तो हर रोज पिटूं इश्क में मजनू की तरह, और तड़पती है मेरे प्यार में लैला मेरी, उसके अब्बा को तो दुनिया से उठा ले यार, अब लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, क्या बात है, वाह वाह। अब पेश करता हूँ दोस्तों के गमों से भीग कर लहजा भी कुछ पुनम निकलता है, गमों से भीग कर लहजा भी कुछ पुरनम निकलता है, हमारी आंख के रस्ते हमारा गम निकलता है, क्या बात है, गमों से भीग कर लहजा भी कुछ पुरनम निकलता है, हमारी आंख के रस्ते हमारा गम निकलता है, अरे खुदा के फजल से बेगम मिली है डेढ़ कुंतल की, वो जब बाहों में लेती है हमारा दम निकलता है, क्या बात है, वाह वाह। और हजरत पेश करता हूं कि बेखौफ तेरे दिल में मैं घुसपैठ करूंगा, वाह खुशबू, बेखौफ तेरे दिल में मैं घुसपैठ करूंगा, माशूक है मेरा तो कोई शेर नहीं है, वाह, बेखौफ तेरे दिल में मैं घुसपैठ करूंगा, माशूक है मेरा तो कोई शेर नहीं है, बचपन में तुझे छेड़ा था बचपन में फंसी है, अल्लाह के घर देर है अंधेर नहीं है, वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत अच्छा है। और हजरात पेश करता हूँ कि शिकवा नहीं है मुझको किसी बात से कोई, वाह वाह वाह, शिकवा नहीं है मुझको किसी बात से कोई, जो मुझको मिल गया मेरी किस्मत की बात है, क्या बात है, शिकवा नहीं है मुझको किसी बात से कोई, जो मुझको मिल गया मेरी किस्मत की बात है, गंजे पति को देख के पत्नी ने ये कहा एक चांद आसमां पे एक मेरे साथ है, और ऐसा पेश करता हूँ कि मैं तेरे बाप की मैयत पे चला आया हूँ, क्या बात, मैं तेरे
बाप की मैयत पे चला आया हूँ, दिल में कुछ गम भी है, दिल थोड़ा सा मसरूर भी है। क्या बात, मैं तेरे बाप की मैयत पे चला आया हूँ, दिल में कुछ गम भी है, दिल थोड़ा सा मसरूर भी है, अब गले मिलके मेरे तुझको भी रोना होगा, रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा है। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं गड़बड़, जिंदाबाद। मैं तेरे बाप की मैयत पे चला आया हूँ, दिल में कुछ गम भी है, दिल थोड़ा सा मसरूर भी है, अब गले मिलके मेरे तुझको भी रोना होगा, रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। और पेश करता हूँ अच्छा पेश करता कि वो बल्ब मेरे दिल का यू फ्यूज कर रही है, खुशबू वो बल्ब मेरे दिल का यू फ्यूज कर रही है, टॉकिंग में मुझसे वो कुछ लूज कर रही है। क्या कह रहा है, वो बल्ब मेरे दिल का यू फ्यूज कर रही है, टॉकिंग में मुझसे अब वो कुछ लूज कर रही है, बदनाम मुझको करके माजिद को दे दिया दिल, कमबख्त मेरा ऐसे मिसयूज कर रही है। वो बल्ब, वो बल्ब मेरे दिल का यू फ्यूज कर रही है, टॉकिंग में मुझसे वो कुछ लूज कर रही है, अब बदनाम मुझको करके माजिद को दे दिया दिल, कमबख्त मेरा ऐसे मिसयूज कर रही है। और पेश करता हूँ दोस्तों के क्या हुआ, भूल गए भाई, पेश करता हूँ नज्म है, पेश करता हूँ नज्म के, उकदा बड़ी मुश्किल से गड़बड़ की समझ आया, ये इश्क नहीं आसा कहते थे जिगर ताया, एक शोक हसीना से दिल हमने लगाया था, शादी के लिए हमने मन अपना बनाया था, क्या बात है? उस शोक के वालिद का ये हमको जवाब आया, ये सोच ले तेरा भी अब वक्त खराब आया, महबूब से बोले हम बतलाओ जरा हमसे, वालिद है तुम्हारे क्यों इस दर्जा खफा हमसे, वो बोली मोहब्बत का ये गेम पुराना है, बीमार मोहब्बत का अपना भी घराना है, कुछ लोग बताते हैं कॉलेज के जमाने थे, अब्बा जो तुम्हारे हैं अम्मी के दीवाने थे, दादा भी तुम्हारे तो दादी के दशहद आई, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। वाह वाह वाह, इसका मतलब खानदानी बदमाश हो यार तुम तो। हजरत आखिरी नत पढ़ के जा चाहूंगा, अपना जब मैं पेश करता हूँ कि मैंने ये बात बुजुर्गों से सुनी है अक्सर, जब भी मेहमान का हो घर में किसी के भी गुजर, उसकी खातिर करो अल्लाह का फरमान है ये, उसकी इज्जत करो इंसान की पहचान है ये, एक मेहमान मेरे घर में जो कल आया था, मेरी बेगम ने तारुफ मेरा करवाया था, नाश्ता उसने किया और किया लंच डिनर, रात में दूध के प्याले के बिली उसने खबर, पान सिगरेट तो वो यूं भी उड़ाता था बहुत, टांग मुर्गे की वो दांतों से चबाता था बहुत, मैंने बढ़ चढ़ के करी उसकी जो खातिरदारी, पेश आने नहीं दी उसको कोई दुश्वारी, मेरी मेहमान नवाजी का भरम टूट गया, मेजबानी का इमजदार में दम टूट गया, हाल कुछ ऐसा हुआ था मेरे सम्मान के साथ, घर से घर वाली भी रुखसत हुई मेहमान के साथ। वाह वाह वाह, क्या कहना भाई, गड़बड़ साहब जिंदाबाद, गड़बड़ साहब ने बहुत अच्छी शायरी, तंजो मजा की शायरी पेश करके हमारे मुशायरे में बड़ी जिंदगी पैदा की।
इकबाल फिरदौसी साहब ने अपनी बीवी से कहा, रात तो मेरे ख्वाब में पड़ोसन आई थी। उनकी बीवी ने कहा, अकेली आई होगी।